आंटी जी, कैसे लगे आपको डिजाइन्स? हम लोग सोच रहे थे कि अगर ऐसा कोई सेट बन जाता तो बहुत अच्छा लगता. बहुत अच्छा है, लेकिन आंटी कहिए ना, हम तो आपकी राय जानने आए हैं. हाँ, वो मैं तो बस ये सोच रही थी कि मेरी बातों का गलत मतलब नहीं निकालना. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. आप प्लीज बेझिझक कहिए. रश्मि को जो हम लहंगा दे रहे हैं ना, उसके साथ ये सेट नहीं जाता. मैच नहीं हो रहा है. एक्चुअली शादी के स्पेशल दिन के लिए रश्मि के ज्वेलरी के डिजाइन मैंने लिविया को दे दी है. वही कर रहे हैं. एंड दे आर द बेस्ट. या राइट. अच्छा आंटी, अगर आप एक बार हमें शादी की ड्रेस दिखा देते तो हम उसी हिसाब से एक अच्छा सा डायमंड सेट बनवा देते. ए बांके बिहारी, अब हम कहाँ करें? कछु समझ में ना आ रही. अरे मुन्ना, चलो अच्छा बहुत तुम लोग आ गए, घर में कोई ना था, अब जाके हम सब्जी ले आते हैं. जी ठीक है, अब हम आराम से चले. मुझे समझ में नहीं आ रहा है उन्हें डिजाइन अच्छे क्यों नहीं लगे. वो कितने अच्छे थे और कितने ट्रेडिशनल थे. इट्स ओके अक्षर, अब जाने दीजिए. उन्होंने ना कह दिया ना. चलिए अच्छा ये कि हमने उनसे पूछ लिया, वरना अगर हम ये सेट बना लेते और फिर वो मना करते तो हमें बुरा लगता. क्या कर रहे हैं? चाय बनाने दीजिए. बना तो रही हैं. नैतिक चाय छोड़िए. नैतिक, कोई आ जाएगा? कोई नहीं आएगा. और वैसे भी मैंने मेन डोर बंद कर दिया है. चांदनी का फोन आया था? नहीं माँ, मैं पानी लेकर आती हूँ. पानी नहीं चाहिए. जरा रुक तो, दिखाती हूँ हमने क्या लाया है. ये क्या है? हमारी बहू के लिए है. घर में ब्याह है तो ऐसे हो सकता है क्या कि हम बहू के लिए कुछ ना लाए? देखो माँ, ये तो बहुत ही खूबसूरत है. थैंक यू माँ. अक्षरा, पहन के तो दिखाइए. हाँ बेटा, पहन के दिखाओ तो सदा. अरे माँ, सुंदर लग रहा है तुझ पर.